गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। कुछ दिन पहले वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर अवैध कब्जा हटाने के लिए समस्त वन भूमि का सर्वे किया था, जिसमें सोहना की पीर कॉलोनी, पहाड़ कॉलोनी, आईटीआई कॉलोनी, ठाकुरवाड़ा, देवीलाल रोड, मंदनावाड़ा आदि शामिल हैं। विभाग ने अवैध निर्माणों को चिन्हित करके करीब 500 नोटिस जारी किए हैं, जिनको एक सप्ताह के अंदर जवाब देने व अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के फरमान जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर नागरिक बेचैन हैं। वन विभाग द्वारा शहर में दिए गए नोटिसों के विरोध में सोहना की आधा दर्जन कॉलोनी के हजारों लोगों ने आज अग्रसेन पार्क पर एकत्रित होकर रोष प्रदर्शन किया, जहां शहर के सतबीर पहलवान, पूर्व पार्षद हरीश नंदा, मनोज राघव बजरंगी, व्यापार मंडल संघ के प्रधान समेत कई लोग मौजूद रहे। रोष प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जमकर सरकार और वन विभाग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक लिखित ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित करके सोहना एसडीएम को सौंपा। वहीं एसडीएम कार्यालय में देरी से पहुंचने पर लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वन विभाग द्वारा दिए गए नोटिस को लेकर एसडीएम ने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। परंतु इसका नियम अनुसार जो है वो विभाग कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो इस पर कार्रवाई करेगा एंड उनकी जो डिमांड्स हैं कि इस चीज़ को दोबारा से एनालाइज किया जाए और रिहैबिलिटेशन के लिए उनके लिए व्यवस्था की जाए, वो सरकार तक उनकी डिमांड्स हम पहुँचा। पूरे सोहना शहर की जनता ने, 36 बिरादरी ने, सर्व समाज ने ये निर्णय लिया और इसके वजह से हम सब लोगों ने इकट्ठे होके आज एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए बाजार में घूमते हुए एसडीएम महोदय के द्वारा सरकार को एक ज्ञापन दिया कि हम सब लोग अपनी जगह सही तरीके से काबिज हैं, हम लोगों पे वेद कागज भी हैं। वन विभाग द्वारा तानाशाही तरीके से दूसरों की भूमि को अपनी भूमि बताकर इन मकानों को उजाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। किसी मकान की तो बहुत बड़ी बात है, किसी मकान की एक ईंट भी नहीं हिलाने दी जाएगी। हमने पूरे व्यापारियों की तरफ से आश्वासन है कि पूरा व्यापार मंडल, पूरा व्यापारी और पूरा सोहना इन पीड़ितों के बिल्कुल साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर अगर विभाग कोई कार्रवाई करने आता है तो पूरा बाजार बंद होके सब इनके साथ खड़े होंगे। तो क्या कसूर है जिन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है, जिन्होंने मकान बनाए हैं, नक्शा पास कराए हैं, सरकार को रेवेन्यू दिया है, वो कई कई सौ साल में बताया कैसे कैसे आज मकान बनाता रहा, आज उनके नोटिस दे रहे हैं तोड़ने के लिए, उजाड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक बर्दाश्त होने वाली चीज़ है। मैं तो अनुरोध करूँगा अधिकारियों से, सरकार से, अब गरीब आदमी को बसाने का काम करें ना कि उजाड़ने का। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई गलत हलफनामा दिया गया है। वन विभाग की इस कार्रवाई को लेकर एक तरफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है, जहां आम लोगों को आश्वासन देते हुए पहलवान सतवीर खटाना, पूर्व पार्षद हरीश नंदा, मनोज राघव बजरंगी ने कहा कि यदि विभाग का कोई अधिकारी यहां तोड़फोड़ दस्ता आपके द्वार आए तो तुरंत गठित कमेटी को सूचना दे। सोहना से वी न्यूज के लिए राजेंद्र होटला की रिपोर्ट।